नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले प्रदीप कुमार जी का, अमन कुमार जी का, शिल्पी जी का और अर्चना ठाकुर जी का, तुलसी जी का, मोहिनी मिश्रा जी का, कमलापति जी का, एक्टर पुष्कर जी का, श्रीम जी का, पूजा जी का और पूजा तिवारी जी का, पुनीत जी, इला शुक्ला जी, सोनू रानी जी, सुरेश कुमार जी, दीपाली यादव जी, सपना तिवारी जी, संजू शर्मा जी और अर्चना ठाकुर जी, तुलसी जी, ज्योति जी, सुनील हीर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील हीर जी, जय हिंद। और कमलापति जी ने मुझसे कहा है संस्कृति के चार अध्याय निबंध पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैम क्योंकि वो बहुत लंबा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको ये वीडियो बोर लग रहे हों तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉप करके दूसरे सब्जेक्ट पे आपके लिए दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। हालांकि आज से जो वीडियो हैं वो इतने बोर नहीं होंगे, इसके पहले का जो कंटेंट था वो वास्तव में थोड़ा सा बोर करने वाला था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक वास्तव में आपके लिए संजीवनी बूटी है, तो कहीं अगर थोड़ी सी कड़वी लगे तो उसको पी लीजिएगा, लेकिन आपको ये वास्तव में हिंदी के पेपरों में नंबर्स में अमर बनाने का काम जरूर करेगी। वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको जो वीडियो पसंद नहीं आ रहा है स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको बंद करके दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि मेहनत लगती है मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने में, है ना। चलिए अब सुरचंद्र परदाई, जिनका समय है संवत 1225 से 1249। दोस्तों, आज मैं क्योंकि मेरा हाइलाइटर काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती चलूंगी। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था और इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। यानी पृथ्वीराज और चंद्र बरदाई जी का जन्म तथा मृत्यु एक ही दिन हुई थी। ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। ये षठ भाषा व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये आदृष्ट काव्य भी कर सकते थे, है ना, ये बात इम्पॉर्टेंट है। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, किसका, जालंधरी देवी का, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग ही नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं, ठीक है। इसमें जो सर्ग थे उनको क्या कहा गया, समय। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित्त यानी छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, ताहा, गाहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हर द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। यानी जो रासो का
अंतिम भाग है वो उनके पुत्र चंद्रवरदाई के पुत्र जलधर ने पूरा किया। रासों के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिन पीछे चंद भी वहां गए, वहीं गए। रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्लड़ के हाथ में रासों को सौंपने जाने और उसे पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। पुस्तक जल्लड़ हत दे चलि गज्जन नपकाज। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज द्वैरिय जिमि पृथ्वी राज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद द्वैरिय जिमि तिमि। पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड से लेकर क्षत्रिय की कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। देखिए आगे आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज रासों में आबू के यज्ञ कुंड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहान के अजमेर के राजस्थापन से पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुवर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की दो कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपनी नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार में रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः वह जब जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा के किनारे महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए और वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान नहीं ना रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़ कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने सप्त भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों ने एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का एक कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब ये हार कर पृथ्वीराज के पास भाग गए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ
कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं भी रासों में भरी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल ना खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है, क्योंकि अगर कोई उनके समसामयिक इसको लिखता तो जो घटनाओं के समय में फर्क है वो ना होता। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से ये संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा चंद रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए हुए संवत तथा ऐतिहासिक घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख में भी होता है। उक्त खंड ग्रंथ अत्यधिक प्रमाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्मीर महाकाव्य आदि के कई प्रमाण ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद में जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज के समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, सहयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती। मतलब ये इतने जो कुछ भी पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है ये सब असंगत होता है, सिद्ध होता है। इसी से आबू के यज्ञ से चौहान आदि चार अग्निकुलों की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इसमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं। चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल 1115 में, दिल्ली का गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा है, पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिले हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमार्दिदेव महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं वो इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के चार जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच के हैं, जयचंद के 12 जिसमें संवत 1224 और 1243 के बीच के हैं, परमार्दिदेव के 6 जिनके संवत 1223 और 1258 के बीच में हैं। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमार्दिदेव का के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी यानी विक्रम संवत 1248 ईस्वी सन 1191 में हुआ है ना। ये अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पंडित मनोहर लाल विष्णुलाल पांड्या ने अपने रासों के पक्ष में समर्थन में इस प्रकार
इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने ये विचार उपस्थित किया कि ये अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा, एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद तेह रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वी राज नरिंद, है ना। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या प्रस्तुत किया है, और विक्रम साक आनंद का अर्थ किया, आ का मतलब शून्य और नंद का अर्थ नौ। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि आयोग कभी कभी इस तरह के प्रश्न उठाकर रख देता है। साक का अर्थ है अ शून्य, आ का अर्थ है शून्य और नंद का अर्थ नौ, अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 9 वर्ष घटाए गए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई है। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90-91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं, उन्होंने क्या ऐसा जानबूझ के किया है अथवा झोंके या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें अनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद का पाठ होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा भी मिलता है, एकादश से पंचदय विक्रम जिस ध्रम सुत्ता त्रातीय साक प्रति राजी कौ लस्यो विरन बुंद गुत्ता। इसमें भी नौ के गुप्त करने का अर्थ निकलता है, पर कितने में से नौ कम करने पर से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्ता ब्राह्मण का नाम गुणगुप्ता प्रतीत होता है। बात संवत ही तक नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज रासो भी तो काव्य ग्रंथ ही है, पर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, कुछ घटनाएं और संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं, तो पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट का या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद नाम उनमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के पांचवें सर्ग में यह श्लोक आया है, तनयश्चंद्र राजस्य चंद्र राज इवा भवत संग्रहम यत सुव्रता नाम सुव्रत नाविव व्यधात। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्र राज कवि का संकेत है वह राजबहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्र बरधाई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह है जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से ही किसी के वंशज के यहाँ
चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णनों में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया उन सब को लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मानकर उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। ये लाइन अभी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि ये किसके बारे में कही गई है ना, ये पृथ्वीराज रासो के बारे में कही गई है कि भाषा की कसौटी पर इस ग्रंथ को यदि कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल और बेठिकाने का है, इसमें व्याकरण आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ कवित्तों छपेयों की तो भाषा ठिकाने की है पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक साहित्य में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूप में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाक जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण इस ग्रंथ को न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के जिज्ञासुओं में के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थीं। उनका विवरण बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया था और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे चंद पृथ्वीराज का मंत्री सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नागौर में। इस वंश की वर्तमान प्रतिनिधि नानू राम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई थी, उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे ये चंद बरदाई जी का वंश वृक्ष दिया हुआ है। चंद बरदाई उनके पुत्र 2 थे, गुणचंद और जलचंद, फिर सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद, विष्णुचंद, उनके मतलब रचंद, रूपचंद, बुद्धचंद और देवचंद, सूरदास ये इनके पुत्र थे, फिर खेमचंद और गोविंदचंद यानी बुद्धचंद, उनके पुत्र जयचंद यानी गोविंदचंद। ये इनकी पूरी दी हुई है, मनचंद, चौथचंद, गोकुलचंद, कर्णचंद, गुणगंगचंद, जगन्नाथ रामेश्वर, ये आपके किसी काम का पूरा नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। नानू राम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, उनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंबोर में जा बसे और चौथे जल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है, दहति पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुंदन शशिभान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है, वह पद यह है, प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्म राखु नाम अनूप, पान पै देवी दियो सभी आद सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय,
पारिपायन सुरन के सुर सहित स्तुति की, तासु वंश प्रशंस में बहुत चंदुचार नवीन। भूप पृथ्वी राज दीनो तिन्हे ज्वाला देश, तने ताके चार कीनो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुण चंद तासुतनशील चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप। रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाए, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय। आगरे रही गोप चल में रहो तासुत वीर, पुत्र जन में सात ताके महाबट गंभीर। प्रश्न चंद उदार चंद जु रूप चंद सुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद में भे सुखदाई। देव चंद प्रबोध संस्रत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। तो ये सूरदास जी की वंशावली थी। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद ये प्रकट होता है कि नाथूराम ने जिनको जल चंद के वंश परंपरा का बताया है, उक्त पद में उन्हें गुण चंद की वंश परंपरा का कहा गया है, बाकी सभी नाम प्रायः मिलते हैं। नाथूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा, उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया, पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण कर लिया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार के उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासू नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नाथूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, वह तो और भी अधिक ऊट पटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावत समय के कुछ पद्य नमूने नीचे दिए गए हैं। मैं सारे ये पद्य नहीं पढ़ रही हूँ, नहीं आप लोग बोर हो जाएंगे। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। ये देखिए, ये पद्य बहुत पूछा जाता है। मनह कला ससभान कला 1600 भिन्न, पाल बैस सतिता समीप अमित रसपिन्न, बिगस कमल सिग भमर बेन खंजन मृग लुट्टई, हीर कीर अरिबिंब मोती नख सिक अय घुट्टई। ठीक है, और इसके बाद में ये वाले भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बज्जी घोर निशान रान चौहान चौहों दिस, सकल सूत सामंत समिर बल जंत्रा मंत्र दिस, उठिल राज पृथ्वी राज बाघ मान मनोलग वीर नट, कड़त तेग बन में मन मेग लगत मानो बिज झट झट घट। देखिए इसमें फिर इतने तक दिए हुए हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको पुस्तक में रुचि आने लगेगी। पढ़िए, आपको परीक्षाओं में फ़ायदा मिलेगा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ प्रश्नोत्तर भी इसके धीरे से आपके लिए लेकर आऊँ, पर थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। और स्पष्ट रूप से बताते रहिए कि आप अगर आपको पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना है तो बता दीजिएगा, तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगी। आप सभी का इतना प्यार, इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।